हे गाइस, कैसे हो आप सभी का सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और आगे भी मस्त रहो और बढ़िया रहो। तो गाइस, फाइनली न्यू रॉयल फ्लैश MP40 का फाइनल एट्रीब्यूट्स आ चुका है, कॉन्फर्म डेट आ चुका है, कॉन्फर्म मंथ भी आ चुका है। एंड आज के इस वीडियो में आपको ये मैं पूरी क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों को इसका एट्रीब्यूट्स क्या होने वाला है। और गाइस, इसका जो एट्रीब्यूट्स होगा, इस काफी कमाल का एट्रीब्यूट्स दिया गया है, आप लोग देख के गाइस एकदम जो खुश हो जाओगे। एंड गाइस, साथ में बात करेंगे इसके कन्फर्म डेट के बारे में, साथ में ये भी बात करेंगे कौन से इवेंट के अंदर आप लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है। सो वीडियो पे एंड तक बने रहो, और भी फ्री फायर के रिलेटेड कुछ अपडेट्स आज आपको मैं देने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल अपडेट होने वाला है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके एकदम एंड तक देखते रहो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और गाइस साथ में बेल आइकन को भी ऑल ऑप्शन में सेट कर देना, क्योंकि मेरे भाई मैं अपने चैनल पर इस तरह से वीडियो हर रोज अपलोड करते रहता हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास मेरे भाई नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और गाइस आप लोग वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो गाइस चलो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, अपना जो सबसे पहले अपडेट निकल कर आता है, अगर आप लोग जर्सी के शौकीन हो, अगर आप लोग जर्सी के बहुत ही बड़े फैन हो, तो गाइस ये अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक ओपी अपडेट होने वाली है। बिकॉज गाइस, यहाँ पर आप लोगों को मेटेरियल चार जर्सियाँ दिखा रहा हूँ। गाइस ये जर्सी आप लोगों को देखने के लिए कब मिलेगा ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आप लोग इस चारों जर्सी को एकदम अच्छे से देख लो, तो गाइस पहले आप लोग जर्सी देखो, उसके बाद आपको मैं इसका डेट भी बताऊंगा। एंड आप लोग को ये चारों जर्सी में से कौन सा जर्सी सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैं चार कलर में दिखा रहा हूँ जर्सी। और गाइस अगर आप लोग मेरी पसंद पूछना चाहोगे, तो गाइस मेरी तो सबसे ज़्यादा पसंद आया है रेड वाला एंड गाइस ब्लैक वाला, ये दोनों गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो गाइस ये आप लोगों को कब देखने का मिलेगा, तो गाइस फाइनल बात ये है कि ये आप लोगों को जब भुया 2.0 इवेंट चलेगा उसी टाइम गाइस आप लोगों को ये जर्सी वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस चलो अभी हम बात कर लेते अपना नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस अपना जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो होने वाला है न्यू ग्लूवल की स्किन को लेकर, जो कि गाइस आप लोग देख पा रहे हो। एंड गाइस ये भी आप लोगों का पूरी भुया 2.0 के ऊपर बेस्ड है। एंड गाइस ये ग्लूवल देख सकते हो देखने में कितनी बढ़िया लग रहा है गाइस देखने में। एंड गाइस ग्लूवल एकदम गाइस काफ़ी बढ़िया देगा, इसके जो डिज़ाइन वगैरह रेडी किया गया ये काफ़ी मुझे पसंद आया है। छोटी सी गाइस ग्लूवल है और गाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस चलो अभी हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस अपना जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो है गाइस एक न्यू इमोट, जो कि आप लोगों को भुया 2.0 बंडल के साथ में आप लोगों को दिया जाएगा। एंड गाइस जब आप लोग को भुया 2.0 इवेंट चलेगा उसी टाइम कैसे आप लोगों को ये इमोट देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस देख लिए होंगे आप लोग इमोट कैसा लगा देख के, मुझे गाइस जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड गाइस अभी हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट अपडेट जो गाइस होने वाला है कटाना को लेकर। एंड गाइस ये जो कटाना आप लोग देख पा रहे हो गाइस देखने में कितनी बढ़िया लग रहा है गाइस, देख सकते हो कटाना का एनिमेशन गाइस कितना बढ़िया दिया गया है। बोल सकते हो गाइस अगर आपके पास फायरी वाला कटाना नहीं है तो गाइस आप लोग इस कटाना को ले सकते हो, बिल्कुल ही गाइस बहुत ही बढ़िया है कटाना गाइस, देख सकते हो पूरी एनिमेशन के साथ में इस कटाना को दिया गया है। और गाइस अगर ये तो बढ़िया होगा कि ये अगर हम लोग को टॉप अप इवेंट पर देखने के लिए मिल जाए, वो भी 200 डायमंड टॉप अप करने पर, तो गाइस उस टाइम के लिए आप लोग गाइस जो इसे बहुत इजीली तरीके से ले पाओगे, वरना अगर कुछ इवेंट में आएगा तो गाइस आप लोग को 500-600 डायमंड लगाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं अपने एकदम लास्ट अपडेट जो कि होने वाला है न्यू रॉयल फ्लैश MP40 के बारे में, आप लोगों को रॉयल फ्लैश MP40 देखने के लिए कब मिलेगा। एंड गाइस ये आप लोगों का कन्फर्म गाइस जो डेट होने वाला है वो गाइस होने वाला है नवंबर मंथ। एंड गाइस जहाँ तक मुझे लगता है कि गाइस आप लोगों को नवंबर मंथ में बहुत सारे इवेंट गाइस चलेगा, बहुत ही बड़े बड़े गेम में इवेंट चलेगा, तो गाइस हो सकता है कि उसी टाइम आप लोगों को ये न्यू रॉयल फ्लैश MP40 जो गाइस आप लोग देख पा रहे हो ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। एंड गाइस इसका आप लोग एट्रीब्यूट्स देख पा रहे हो, जो कि गाइस आप लोगों का होने वाला है सिंगल रेट ऑफ फायर के साथ में डबल डैमेज। एंड गाइस देख सकते हो गाइस इसका रेट ऑफ फायर एंड गाइस डैमेज मिला के इसका एट्रीब्यूट्स को बनाया गया है। जैसे आप लोगों को मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप लोगों को डैमेज और रेट ऑफ फायर में ये मिलेगा, या तो आप लोगों को इसके अंदर रेंज मिलेगा, पर गाइस यहाँ पर आप लोगों को माइनस में मिलता है एक्यूरेंसी, जो कि एक काफ़ी बढ़िया बात है, वरना पोकर में तो रेंज को ही माइनस कर दिया था, पर यहाँ पर गाइस एक्यूरेंसी को माइनस किया है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, बहुत ही एक बढ़िया बात है। जब गाइस ये MP40 आने गाइस आएगा, मैं तो निकलने वाला हूँ, आप में से गाइस कितने बंदे निकलने वाले हो मुझे जो गाइस जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड गाइस इसका डेट तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया, नवंबर मंथ में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस अभी ये गरने वाले को ऊपर है गाइस, इसे कब डालना चाहेगा उनके ऊपर, पर गाइस लीक के अकॉर्डिंग यह चलता है कि आप लोगों को नवंबर मंथ पे ये देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आप लोगों को अक्टूबर मंथ मतलब इसी मंथ के अंदर आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाए, तो गाइस ऐसे भी हो सकता है। तो गाइस चलो अभी हम बात कर लेते हैं ये आप लोगों को कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये तो आपको बोल दिया, इसका एट्रीब्यूट्स क्या होगा ये भी आप लोगों को बोल दिया। अब गाइस बात कर लेते हैं कंफर्म इवेंट के बारे में, कौन से इवेंट के अंदर आएगा। तो गाइस आपको मैं टोटल दो चांसेस दूंगा, एक है आप लोगों का टोकन टावर और गाइस फेडरल के अंदर, दूसरा है गाइस आप लोग का वेब इवेंट या फिर आप लोगों को मिलेगा रोल ऑफ द राइस इवेंट पर, जहां पर आप लोगों को ट्रॉपिकल पैरट M1887 देखने के लिए मिला था। बस वैसे सेम टू सेम ये भी MP40 आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, पर गाइस चांसेस सबसे ज़्यादा बनता है कि आप लोगों को फेडरल रूल के अंदर इसे दिया जाएगा। अब गाइस ये भी गरने वाले के ऊपर कन्फर्म करना है, गाइस गरने वाला अगर चाहता है इससे अंदर से आप लोग को बहुत ज़्यादा डायमंड लूटेगा,
तो गैस हो सकता है कि घराना वाले इसको कुछ और इवेंट में डाल दे, पर गैस अगर ये टोकन टावर इवेंट में आ गया तो गैस मैं तो इसे नहीं निकालने वाला हूँ। एंड गैस अगर ये फेडर रूल के अंदर आ गया तब गैस मैं इसे निकालने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कोबरा और गैस ये वाला जो पोकर था दोनों मेरे पास ऑलरेडी से पड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे इसको बाई नहीं करना है। अगर ये फेडर रूल के अंदर आता है और गैस अगर ये रूल ऑफ द डाइस इवेंट के अंदर है तो ही मैं निकालूंगा, अगर ये टोकन टावर के अंदर आएगा तो मैं नहीं निकालूंगा। तो गैस मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर देना। तो गैस मेरा आज का वीडियो यहाँ तक था, तो गैस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।